टू ऑर्गेनिक्स प्रेजेंट्स द ग्रैंड फेस्टिव सेल ऑफ द ईयर। ओ टू ऑर्गेनिक्स अपने कस्टमर्स के लिए दिवाली के सुनहरे मौके पर लाया है ग्रैंड सेल, बाय वन गेट वन फ्री का। ओ टू ऑर्गेनिक्स में आपको कंप्लीट रेंज ऑफ स्किन केयर, हेयर केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। ये सेल 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रहने वाला है, तो इस ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाइए और विजिट कीजिए ओ टू ऑर्गेनिक्स। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं ले रहा हूँ, तो आने वाला जो विधानसभा इलेक्शन है 2024, इसको लेकर महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ की क्या भूमिका होगी, इस ताल्लुक से भिवंडी के अंदर बहुत सारी चर्चाएं हैं। जैसे कि पिछला जो खासदारगी का इलेक्शन हुआ था, तो लोगों ने सोचा कि महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ क्या अपना स्टैंड लेने वाली है। तो उस टाइम पे हम लोगों ने इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया था, सारे कार्यकर्ताओं से डिस्कशन करने के बाद में, सारे पदाधिकारियों से डिस्कशन करने के बाद में। लेकिन इस बार ऐसा तय हुआ है, हम लोग की एक मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर ऐसा तय किया गया कि इस बार का जो विधानसभा इलेक्शन, क्यों ना महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ खुद कंटेस्ट करे या फिर किसी राजकीय पार्टी के टिकट के ऊपर कंटेस्ट करे, ये दोनों विषय के ऊपर चर्चा है। उस तालुक से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ। किस तरह से देखिए, मैंने ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब से मैंने मुलाकात की, जो सलाहकार है वारिस पठान साहब से मैंने मुलाकात की, असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मैंने मुंबई के अंदर मुलाकात की। इन तमाम मुलाकातों के बाद में मैंने उनको भिवंडी पूर्व से लड़ने की मैंने इच्छा उनके पक्ष से जाहिर की है और वो लोग इस संदर्भ में सोच विचार कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बहुत काफ़ी पॉजिटिव रिप्लाई दिया है कि इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी उन्होंने कहा कि हम लोग इस ताल्लुक से फैसला लेंगे और हम लोग आपको टिकट के बारे में डिक्लेयर करेंगे। इमरान भाई, ये बताइए कि जैसे आमदार रईस शेख मुंबई से आकर भिवंडी शहर में लड़ते हैं जी, वारिस पठान भी जो है मुंबई से आकर भिवंडी में लड़ते हैं, तो क्या इस शहर में कोई काबिल ऐसा नेता नहीं है जिसको हमें चुन कर देना चाहिए? नहीं, मुझे इस बारे में ऐसा लगता है कि भिवंडी की जनता को इस बारे में सोचना चाहिए कि बार बार क्यों हम बाहर के ही नेता को चुन के दे रहे हैं या बाहर के ही नेता को हम लोग चांस दे रहे हैं। भिवंडी के अंदर काफ़ी अच्छे लीडर्स हैं, काफ़ी अच्छे जो प्रतिनिधि कर सकते हैं, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं इस भिवंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ऐसे लोग मौजूद होने के बावजूद हम लोग को बाहर के लोगों की ज़रूरत पड़ रही है और हम लोग उनको जिता के भी दे रहे हैं। ये बहुत ही मुझे लगता है कि हास्यास्पद बात है और आने वाले इलेक्शन के अंदर मुझे लगता है कि इसके अंदर बदलाव होगा, भिवंडी की जनता कुछ नया करेगी इंशाल्लाह, इस बार मुझे ऐसा लगता है। आपने एमआईएम क्यों चुना? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुनने का सबसे, मैं इच्छुक वहां से इच्छा जताने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो महाराष्ट्र के अंदर और पूरे देश के अंदर आज जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से मुस्लिम समाज को सरप्रेस किया जा रहा है, मुस्लिम समाज को दबाया जा रहा है, तो उसकी आवाज उठाने के लिए मैं देखता हूँ कि तमाम पक्ष, जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की जो सेक्युलर पार्टी बोलते हैं, अजित पवार की सेक्युलर पार्टी बोलते हैं, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे यूबीटी हो या कांग्रेस हो, ये तमाम पक्ष मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े मुद्दे होने के बावजूद इन्होंने एक बार भी मुस्लिम के हक में आवाज नहीं उठाई, ना कोई प्रेस की, ना कुछ किया इन्होंने, ना समाजवादी पार्टी भी उसमें शामिल है जो सेक्युलरिज्म की बात करती है, तो किसी ने ये चीज की नहीं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पक्ष था जिसने सारी चीजों के ऊपर आवाज उठाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हमारा दीन है और मुसलमान की जहाँ पे राइट्स, हुकूक को जहाँ पे दबाया जा रहा है, वहां पर वो पक्ष जो उसकी आवाज उठा रहा है, उसके साथ में खड़े रहना बहुत जरूरी है। इमरान भाई, एमआईएम पार्टी से भिवंडी ईस्ट और वेस्ट मिलाकर कुल तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा इच्छुक उम्मीदवार है, तो आप उसके अंदर अपनी भूमिका कहाँ देखते हैं, क्या बताओ आपको कितने चांसेस है कि टिकट मिल सकती है? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबको अधिकार दिया है इलेक्शन लड़ने का और किसी भी पक्ष से कोई इच्छा जता सकता है, सबके अपने अपने विजन है, तो मैंने अपना विजन वहां पे रखा हुआ है, तो अगर से वो विजन उनको पसंद आएगा, उनको लगेगा कि हाँ इस विजन का कैंडिडेट हमको चलेगा, तो इंशाल्लाह वो टिकट मैं ही लेके आऊंगा इंशाल्लाह। एमआईएम लड़ती है वहां पे बीजेपी की सरकार आएगी, तो भिवंडी शहर में भी दो जगह से एमआईएम जो है लड़ना चाहती है, क्या वो भिवंडी शहर में भी लोग वो है कहा जाता है, और एमआईएम को जो कहता है वीर टीम कहा जाता है बीजेपी की, तो क्या इस बार भी उसी तरीके का होगा कि भिवंडी शहर में पूर्व के जो आमदार है, सिटिंग आमदार है, उनके ज्यादा लोग जो है वहाँ पे उनके फेवर में उनके कामों को देखते हुए, तो क्या आप किस बेस से यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, जनता को आप किस तरीके के लिए
उनको बताएंगे कि हम हमारा विजन क्या है। बराबर, सबसे पहला लास्ट का सवाल ही आपका, दो सवाल आपने किए। सबसे पहला सवाल कि एमआईएम को वोट कटवा पार्टी बोला जाता है। देखिए, राजकीय पक्ष जब दो राजकीय सेक्युलर पक्ष खड़े रहते हैं, इसके पहले भी जब कांग्रेस खड़ी रहती थी उसके सामने समाजवादी खड़ी रहती थी, तो कांग्रेस का यही आरोप समाजवादी पे रहता था कि ये वोट कटवा पार्टी है, जबरदस्ती वोट काटने के लिए आई है। लेकिन समाजवादी लड़ी, समाजवादी जीत के आ गई, फिर बाद में अभी हर जगह पे बार बार उसी चीज को दोहराना, मुझे नहीं लगता कि ये चीज सही है। एक राजकीय पक्ष होता है और राजकीय पक्ष इलेक्शन लड़ने के लिए होता है। अगर एमआईएम लड़ना चाहती है और भिवंडी के अंदर अपना प्रतिनिधित्व देना चाहती है तो बिल्कुल उसको देना चाहिए। दूसरा सवाल कि विजन क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही अपने भिवंडी शहर के लोगों को समझना चाहिए कि आमदार के काम क्या होते हैं, उस विजन को लेकर वो काम होने चाहिए। जैसे कि आप भिवंडी शहर के ईस्ट के आमदार का आपने नाम लिया, उसी संदर्भ में आपका सवाल है कि एक मुस्लिम आमदार है तो आप एमआईएम का मुस्लिम आमदार दूसरा आएगा तो शायद तीसरे को फायदा हो जाए। तो मैं ऐसा समझता हूँ, रईस शेख साहब ने जो काम किए हैं तो वो काम, मैक्सिमम जितने भी काम है वो नगर पालिका से रिलेटेड काम है। जैसे कि गटर के लिए निधि दे देना, ब्लॉक्स के लिए निधि दे देना, हैलोजन के लिए निधि दे देना, ये सारे चीजों का उन्होंने जो काम किया, प्लस एक स्कूल उन्होंने 2262 की जो स्कूल उन्होंने तैयार की, ठीक है उन्होंने एक अच्छी निधि वगैरह देके वहां पे काम किया, लेकिन वो भी नगर पालिका के अंडर के अंदर काम आता है। एक्चुअल में जो काम होना चाहिए था, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि भिवंडी शहर की जो जनता थी जिसने मुस्लिम आमदार को यहाँ से चुन के दिया था, उसका कारण ये था कि वो मुसलमानों की आवाज, कम से कम मुसलमानों की आवाज वो जाकर विधानसभा के अंदर उठाए। तो ऐसी कोई चीज मुझे देखने के लिए नहीं मिली जहां पर रईस शेख साहब ने खुलकर मुसलमानों की आवाज उठाई। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा था, उस मुद्दे के ऊपर भी वो बैनर पोस्टर लेके वहां पर विधानसभा के बाहर खड़े होते हुए नजर आए, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने ठोस कोई काम नहीं किया। यही सवाल रईस शेख साहब से। दूसरा, अभी जो हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी हो रही है, इस बारे में सड़कों पे लोग उतरे हजारों की तादाद में। आप तो भिवंडी शहर के आमदार थे, आप माइनॉरिटी के आमदार है, आपने तो एक बहुत बड़ा मोर्चा निकालकर आपने को ने प्रांत के सामने आपने खड़ा करना चाहिए था, लेकिन आप वहां पर भी करने में विफल रहे, जबकि और भी कई पार्टियों के लोग वहां पे मौजूद थे। हाँ बिल्कुल, वहां पे देखिए, वो तो इम्तियाज जलील साहब ने कहा था ये कोई राजकीय मोर्चा नहीं है या राजकीय रैली नहीं है, इसके अंदर सभी को शामिल होना चाहिए था, लेकिन लोगों ने इसको फिर भी राजकारण का हिस्सा बना दिया। और वहां पर मुझे ऐसा लगता उनको आना चाहिए था, वो नहीं आए। ये सबसे बड़ी मुसलमान के दिल में कम से कम ये दर्द तो है कि ये चीज होनी चाहिए थी और ये नहीं हो रही है। इमरान भाई एक आखिरी सवाल लीजिए कि आप जैसे इलेक्शन में उतरे एज अ कैंडिडेट जी, आप कॉन्टेस्ट करें इलेक्शन, तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा, विजन क्या है, मकसद क्या है, इसके बारे में बताइए, किस तरह से आप काम करेंगे? नहीं देखिए, मेरा मैनिफेस्टो, मेरा विजन तो एकदम क्लियर है। मेरा विजन यहाँ पर एजुकेशन के मामले में जहाँ पे बात आती है ना, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि भिवंडी शहर के अंदर 25% बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, 75% बच्चे, 75% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं जो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई लेते हैं। इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल्स है उसके अंदर जिस तरीके से इलीगल फीस लेके, डोनेशन लेके जो धांधली की जा रही है, जब कायदा है उसके बावजूद भी, पहले तो ये बंद होनी चाहिए। तो ये विजन है ताकि हमारे जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो कम से कम फीस के अंदर पढ़ सके। दूसरा, आईजीएम का मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है आईजीएम। देखिए अभी पिछले दिनों अभी 7 दिन के लिए, 7 घंटे के लिए लाइट चली गई, वहां पर ना डॉक्टर है ना नर्सेस है, उसके बारे में आरोग्य सेवा वहां पर अच्छी होनी चाहिए। आपके जहां जहां हेल्थ सेंटर आपके वार्ड के अंदर बने हुए, प्रभाग के अंदर बने हुए, उसको सुधारना चाहिए, उसको अपग्रेड करने की कोशिश करना चाहिए। मेन स्कूल का मुद्दा, आरोग्य का मुद्दा, और सबसे बड़ा मुद्दा भिवंडी के अंदर आज की डेट में मुझे जो लगता है वो है डीपी का मुद्दा। भिवंडी शहर के अंदर ऐसा कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है जिसकी वजह से भिवंडी के अंदर कोई तरक्की, कोई अच्छा शहर बन सके। ट्रैफिक के अंदर लोग 3-3 घंटा शहर वाले शहर के अंदर फंस रहे, बाहर की तो ट्रैफिक छोड़ दो, शहर वाले शहर के अंदर फंस जा रहे हैं, तो कितना बड़ा फेलियर है हमारा, ये सारी चीजें देखने वाली है। एक सवाल मेरा ऐसा है कि पहले तो आप आपने जो सवाल बोला कि मैं कैंडिडेट हूं, जिसने पार्टी में प्रवेश किया है जी, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर मैंने प्रवेश, लीगली अभी तक प्रवेश नहीं किया है, मैंने उनसे इच्छा जताई है, लेकिन बहुत जल्द कुछ चीजें हैं हमारी क्लियर हो जाएगी तो मैं उसमें बिल्कुल प्रवेश करूंगा और एमएम से मिल लूंगा। पार्टी ने अगर आपको टिकट नहीं दिया जी, तो क्या करेगा? मैं महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ, मेरी स्वतंत्र संस्था है, इसके पहले भी मैं भिवंडी के अंदर खाड़ी पार खूनी के अंदर ग्राम पंचायत इलेक्शन में लड़ा चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के बैनर के अंदर मेरे समाज को लेकर,
जिसके करीबन करीबन 60,000 वोट से ईस्ट के अंदर, मैं आपको बता दूं, मैं उसके बैनर के अंडर पे मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा, ये मेरा फैसला है। थैंक यू।